अपने गांव या शहर का ताजा न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें NR इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आप देख रहे हैं NR इंडिया न्यूज YouTube चैनल पर दिन भर की ब्रेकिंग खबरें। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेगूसराय जिला गंगा नदी पर पुल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है। 2022 के अंतिम या 2023 के शुरुआत तक शामहो और मतिहानी के बीच गंगा नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। मंत्रालय तथा NHAI ने इसके लिए काम तेज कर दिया है। यह पुल सूर्यगढ़ा में लखीसराय मुंगेर NH80 और बेगूसराय में NH31 से जोड़ेगा। कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशा निर्देशों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम ऐप के माध्यम से डॉक्टर शिवाजी कुमार राज्य आयुक्त नी शक्ता बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रमंडलवार के तहत आज दिनांक 11 जून 2020 गुरुवार को सुबह 11 बजे से अंतिम निपटारा तक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी वैशाली हाजीपुर एवं शिवहर जिला के दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन ई न्यायालय का आयोजन कर उनकी समस्याओं शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा किया गया। रिपोर्ट नसीम रब्बानी। हाजीपुर आज 11 जून 2020 को सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर 151 गरीबों को भोजन कराया गया। इस मौके पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राजा बाकर के वर्तमान विधायक शिवचंद राम वैशाली राजद जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। वैशाली महुआ अनुमंडल के मुस्तफापुर गांव में खैनी व्यवसाय सह किसान 55 वर्षीय सीताराम भगत को चाय पीने के दौरान दरवाजे पर आए 4 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी तथा भाग निकले। सूचना पर पुलिस एवं ग्रामीणों की भीड़ जुटी। प्रशासन द्वारा मृतक का शव हाजीपुर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतिहारी रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले गुरुवार को ब्लॉक रोड स्थित दयाल निवास पर विगत 7 जुलाई को भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बिहार में वर्चुअल डिजिटल रैली के खिलाफ में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल के नेतृत्व में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट मोहम्मद मिन्नतुल्ला। वैशाली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी जिला को संबोधित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित किया गया। वैशाली से जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक वैशाली श्री गौरव मंगला एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े थे। रिपोर्ट नसीम रब्बानी। बिहार पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष नवीन कुमार यादव के नेतृत्व में युवा राजद के प्रमंडलीय कार्यालय कस्बा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रिपोर्ट सौरभ मरानी। पटना बिहार मोदी 2 के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी को लेकर बूथ स्तर तक घर घर जाएगी और इस चिट्ठी माध्यम से हमारे कार्यकर्ता लोगों को मोदी जी के काम को लोगों को बताएगी। रिपोर्ट सनोवा खान। वैशाली महुआ विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर गंगती पंचायत में विभिन्न जगहों पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र पात्रक बांटा गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह प्रभारी रोशन प्रताप यादव, भाजपा के महुआ विधानसभा प्रभारी जयनाथ चौहान, पंचायती राज मैरचा के प्रदेश अध्यक्ष महुआ उत्तरी मंडल के अध्यक्ष अरुण, दक्षिणी मंडल के शिवचंद्र राय, प्रखंड उपाध्यक्ष प्रमोद निषाद, प्रखंड महामंत्री ऋषभ कुमार जायसवाल तथा राहुल सतीश एवं शिवनाथ महतो टोला मोहल्ले में घूम घूम कर श्री मोदी के द्वारा किए गए कामों को समझाए। रिपोर्ट पारसनाथ सिंह। समस्तीपुर राजद सुप्रीमो सह राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के 73वें जन्म दिवस पर गुरुवार को प्रखंड अध्यक्ष मो जाबिर हुसैन की अध्यक्षता में दलसिंह सराय प्रखंड राजद ने 151 गरीबों को भोजन कराकर गरीब सम्मान दिवस मनाया। उजियारपुर के विधायक सह राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता ने इसको लेकर निर्देश जारी किया कि लालू यादव का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रिपोर्ट रंजीत कुमार। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे।